हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ अपने अडेनियम की कलेक्शन शेयर करने जा रही हूं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूं कि उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं। इस वक्त जो है रेनी सीज़न भी आने वाला है, तो रेनी सीज़न में भी हमें जो है ना अडेनियम को स्पेशली बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी से जो अगर इसके पॉट में अगर पानी रुकता है तो इसकी रूट रॉट हो जाती है और अडेनियम डाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अडेनियम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूँगी कि अडेनियम को फ्रेंड्स हम डेजर्ट रोज़ भी कह के चलते हैं, और क्योंकि ये जो है डेजर्ट का प्लांट है और इसलिए हम इसे जो है डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। लेकिन अब जो है इसको जो है और लोगों ने डेकोरेशन के लिए भी अपने घर में इसको लगाना शुरू किया है, और समर्स में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, बहुत परमानेंट प्लांट है और इसकी कॉडेक्स भी बहुत अच्छी जाती है। फ्रेंड्स, जैसे देखिए मेरा ये प्लांट है, इसकी कॉडेक्स काफ़ी अच्छी हो गई है और इसकी एरियल रूट्स भी निकल के आई हैं। ये देखिए बिल्कुल पास से ये ऐसे, ये भी एक मेरा एक अडेनियम का प्लांट है। इसकी देखिए एरियल रूट्स और इसकी देखिए कैसे कितनी जो है कॉडेक्स कितना मोटा हुआ पड़ा है। फ्रेंड्स, ये इस मेरे इन दोनों प्लांट्स को जो है 3 to 4 years हो चुके हैं मेरे गार्डन में लगाए हुए हैं, और नर्सरी से भी जब मैं लेके आई थी तब भी ये 1 to 2 year ओल्ड प्लांट था। तो इस इन प्लांट्स की एज 5 to 6 years के आसपास है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर समर्स में और स्प्रिंग्स में बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, और ये जो प्लांट है इसको जो है हमेशा सैंडी सॉइल में लगा के चलना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सैंडी सॉइल में लगा के रखा हुआ है, सॉइल बिल्कुल ड्राई है। इसको हम कम से कम पानी दे के चलते हैं तब भी चलता है, ये फुल समर का प्लांट है। पर प्लांट कोई भी जब उसकी एज कुछ हो जाती है तो हमें तब हम एक दिन दो दिन छोड़ के उसको पानी दें तब भी चलता है। लेकिन जैसे जैसे कोई प्लांट अगर छोटा होता है तो उसे हमें डेली पानी देना चाहिए, खासकर समर्स में, क्योंकि क्या है कि समर्स में पानी की एवेपरेशन ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो है सॉइल ड्राई हो जाती है। तो हमें समर्स में कोई भी प्लांट हो, चाहे कितना भी फुल समर का प्लांट हो, थोड़ा सा उसको जो है ना इनडायरेक्ट रख लेना चाहिए, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है तब जाके वो उसकी जो है जब उसकी ट्रंक मोटी हो जाती है तब उसके अंदर उसकी लाइफ जो है वाटर को सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वाले प्लांट की जो है सॉइल हमेशा सैंडी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो पॉट है ऊपर तक बिल्कुल सॉइल से भरा हुआ है, तो इसमें मैं पानी थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, धीरे धीरे डालती हूँ, और उतना मतलब सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके इसमें पानी रुकने की जगह नहीं है। ऐसे ये देखिए बिल्कुल पॉट के लेवल तक मेरी सॉइल है, तो इसमें पानी रुकने की कोई जगह नहीं है। और थोड़ा सा मैंने ये पेबल्स वगैरह रखे हुए हैं, इधर भी मैंने जो है वाटर एब्जॉर्बिंग वो रखे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करना होता है कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो है हमें इसका जो सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग का टाइम होता है वो समर्स का होता है और स्प्रिंग का होता है, और इसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट समर्स में तो हमें डेली देना चाहिए, विंटर्स में हमें इसका पानी कम कर देना चाहिए। इसको इस प्लांट को हमें बस रूट पानी रुकने से बचाना चाहिए और साथ में रेन वाटर की भी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और विंटर में जो है ये डोरमेंसी में प्लांट चला जाता है, और इसलिए इसकी फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, विंटर्स में फ्लावरिंग भी नहीं देता, और कई प्लांट्स जो है अपनी लीव भी शेड कर लेते हैं, और फर्टिलाइज़र जो है हमें हर मंथ समर में इसको जो भी हम लीफ कंपोस्ट वगैरह या फिर हमारी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग वगैरह अगर ऑर्गेनिक में जाना हो, और अदरवाइज़ NPK 20-20-20 अगर हम इनको देते हैं तो बहुत अच्छी हमें ब्लूम दे के चलता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत अच्छी समर की हीट को टॉलरेट करता है, और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है, इसकी काफ़ी सारी वेराइटी आती है, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में, वाइट, पिंक, रेड, पर्पल, बहुत सारी इसकी वैरायटी आती है। ये लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन बस इसे हमें जो है ना वेल ड्रेन सॉइल में रखना चाहिए, इसकी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, और इसको हमें बस रेन वाटर से बचा के रखना चाहिए या फिर इसकी पॉट में पानी नहीं रोकना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे अडेनियम प्लांट को लेकर। अभी तो इसके ऊपर एक ही बर्ड आई हुई है, जैसे ही इसके ऊपर और बर्ड ब्लूम करेंगी मैं आपके साथ इस प्लांट की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।